बोधघाट पुलिस ने सार्वजनिक जगहों में शराब पी रहे लोगों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की है। पुलिस ने इस दौरान खुले में ठेले खोमचों पर शराब पीने वाले 13 लोगों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बोधघाट पुलिस के द्वारा होली से पहले अपराध पर अंकुश लगने के लिए कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को पिछले कुछ दिनों से खुले में सड़कों किनारे लोगों के शराब पीने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बोधघाट थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा ने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस टीम लगातार अभियान बना के कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन मेटगुड़ा, गंगानगर वार्ड बस स्टैंड, तेतरगुटी, नया मुंडा इलाके से 13 लोगों को शराबखोरी और हुड़दंग करते हुए पकड़ा गया है। इस प्रकार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जगदलपुर शहर का है, जहां पिछले कुछ समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि शहर के कुछ क्षेत्रों में शाम के समय जो है शराब सेवन और मादक गतिविधियां चलती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए थाना कोतवाली और बोधघाट के तहत जो है एक सर्चिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें संदिग्ध क्षेत्रों में शराब सेवन करने वाले व्यक्तियों को जो है थाना लाकर पूछताछ किया गया, और जिनके संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्वानिदेशा पर जो है इन लोगों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही धारा 151 के तहत किया गया, और थाना कोतवाली और बोधघाट के अंतर्गत आज जो है ऐसे 13 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है और उन्हें जो है न्यायालय पेश किया गया है, और आगे भी जो है इस तरह की कार्यवाही जारी रहेगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।